हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बारिश का सीज़न आ गया। बारिश का सीज़न आते ही हमारा फ्राइड आइटम खाने का मन करने लग जाता है, तो इसी सीरीज में हम बना रहे हैं बेसन का चीला। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 बड़े चम्मच बेसन लिया है। मैंने चम्मच इतनी भरकर ली है। साथ ही में मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है। साथ ही में मैंने 4 हरी मिर्ची ली है, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। सूखे मसालों में मैंने नमक लिया है स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच और थोड़ी सी अजवाइन ली है, ये भी आधा चम्मच के करीब है। इससे डाइजेशन अच्छा होता है। तो आइए बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन में कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने बेसन में डाल दिया है। आप प्याज की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में हम सारे सूखे मसाले भी इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिले को और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। इसमें कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज कुछ भी डाला जा सकता है। ये देखिए, मसाले बेसन में मिक्स हो गए हैं। मैंने 1 गिलास पानी लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चीले का बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी। हम एक साथ से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। इतना बैटर बनाने में मैंने 1 गिलास में ये 3 से 4 टेबलस्पून पानी बच गया है। अब मैं इस बैटर में हरा धनिया डालकर मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, हमारा हरा धनिया भी मिक्स होकर तैयार है। बैटर को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे हमारा बेसन फूल कर तैयार हो गया है। ये देखिए, बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे पतला कर लेती हूँ। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पानी मिलाया और इसे पतला कर लिया है। मैंने बच्चों के लिए अलग से चीले का बैटर निकाल लिया है। अब बाकी बचे बैटर में मैं जो हरी मिर्ची हमने काट कर रखी थी वो डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, हमारी हरी मिर्ची भी मिक्स हो गई हैं। चलिए हम तवा तैयार कर लेते हैं। इसके बनाने के लिए मैंने एक आयरन का तवा लिया। आप चाहे तो नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये गर्म हो गया है। अब मैं इस पर ऑयल डालकर फैला दूंगी। आप कोई भी ऑयल अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब मैं एक पलटे की सहायता से सारे ऑयल को तवे के ऊपर फैला दूँगी, ताकि हमारा चीला तवे पर ना चिपके और यह अच्छे से ईजिली बन जाए। ये देखिए, तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पर चीले का बैटर डालेंगे। मैंने बैटर के 2 से 2.5 स्पून यूज़ किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा या बड़ा चीला बना सकते हैं, उसे अकॉर्डिंग बैटर डालें। अब मैं इसे इवनली फैला लूँगी। हमें चीले को बराबर फैलाना है, इसे कहीं से मोटा या पतला नहीं रखना है और इसे राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए, हमारा चीला तैयार हो गया है। मैंने इसे राउंड फैला लिया है। अब हम इसे सिकने देंगे। अब मैं इसके चारों तरफ 3-4 बूंदे ऑयल की डाल दूंगी, जिसे चीला नीचे से अच्छे से सिक जाएगा और तवे पर चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए, हमारा चीला ऊपर की तरफ से सिक कर तैयार है। इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे। हम इसे चारों तरफ से हिलाकर उतार लेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पलट लिया है। एक तरफ से हमारा चीला बनकर तैयार है। अब दूसरी तरफ भी हम कुछ बूंदे ऑयल की डाल देंगे और इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब मैं इसे पलट कर एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, चीला अभी थोड़ा इधर से कच्चा है, पूरी तरह से नहीं पका है, तो मैं इसे दोबारा से पलट कर अच्छे से सेक लूँगी। हमें चीले को दबा दबा कर सेकना है। चीले को दबा कर सेकने से चीला अंदर तक अच्छे से सिक जाता है, तो इसका कच्चा टेस्ट हमें नहीं आता। एक चीले को बनने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है। हमें चीले को फुल गैस पर नहीं पकाना है, हमें इसे मीडियम लो गैस पर ही बनाना है। ये देखिए, हमारा चीला बनकर रेडी है। दोनों तरफ से अच्छे से सिक सका है। हम अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमारा चीला रेडी हो गया है। साथ ही में अब हरी चटनी बनाते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना और धनिया पत्ता लिया है। मैंने दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। साथ में हरी मिर्ची ली है, थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर लिया है, नमक लिया है, धनिया पाउडर लिया है, काला नमक और चाट मसाला लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पुदीना पत्ता को पानी से धो लूँगी और इसे एक ब्लेंडर जार में डाल लूँगी। ये देखिए, मैंने धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को धो लिया है और मैंने इसे एक जार में डाल लिया है। साथ ही में मैं इसमें
जो हरी मिर्ची ली है वो डाल दूंगी, ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। आप ड्राई फ्रूट चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब मैं सारे सूखे मसाले इसमें डाल दूंगी, साथ ही में मैं इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल दूंगी, और मैंने ये एक नींबू का रस लिया है ये भी इसी में डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी हरी चटनी ग्राइंड होकर तैयार है, तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने चिले को ग्रीन चटनी और प्याज के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको इजी चिले की ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।